हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की सेकंड भाग की शुरुआत करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट फिजिक्स समाप्त कर लिया था पूर्ण रूप से, अब हम सेकंड फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सेकंड फिजिक्स बहुत ही दमदार और जबरदस्त रहने वाला है और शुरुआत ही हम 13 नंबर वाले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अर्थात प्रकाशिकी की चर्चा करने वाले हैं और प्रकाशिकी आपको फुल टू फुल 13 नंबर देके जाता है। अगर पूरे वादा के साथ कहते हैं, अगर आपने पूरा के पूरा क्लास मन लगा के ले लिए ना, तो 13 नंबर आपके हैं। प्यारे बच्चों, 13 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो उन्हीं 13 नंबर को हासिल करने के लिए साथ में जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की सेशन जबरदस्त रहने वाला, अर्थात आज हम पूरे सेशन में केवल प्रकाश की बायोडाटा जानेंगे। पुराने कक्षा 10 में कुछ क्लास आपने लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, मतलब पूरा शून्य से लेकर एकदम शिखर जीरो से हीरो तक की हम बात करेंगे, तब हम क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चर्चा करने से पहले प्यारे बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं प्रकाश की क्या होती है। सेकंड भाग के फर्स्ट चैप्टर का नाम प्रकाश की है। प्रकाश की क्या होती है, फिजिक्स की वह ब्रांच, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, और प्रकाश के आधारित घटनाओं पर अध्ययन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश व प्रकाश के आधारित, प्रकाश पर आधारित घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रकाश पे आधारित घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है, प्रकाश की कहलाती है। अब जैसे हम बात कर ले प्रकाश पे आधारित घटना कौन सा होने वाला प्यारे बच्चों, अब जैसे इसमें हो गया प्रकाश का परावर्तन पे अध्ययन करेंगे, क्या प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन पे। फिर उसके बाद अपवर्तन आ जाता है, फिर उसके बाद ध्रुवण आ जाता है, फिर उसके बाद व्यतिकरण आ जाता है, तमाम प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर हम कह ले और कुछ तो जैसे प्रकाशिक यंत्र की बात करेंगे, तमाम प्रकार की। तो भैया फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश पे आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो प्रकाश की कहलाती है। प्रकाश की घटनाएं कौन सी है आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब तमाम प्रकारों का जो चीज है हम लोग उन्हीं का अध्ययन करेंगे, तो ये सब प्रकाश की कहलाती है। तो आपको प्यारे बच्चों प्रकाश की जो डिफिनीशन है वो यहाँ पर स्क्रीन पे लिख कर दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे, चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहली टॉपिक की, आखिर प्रकाश क्या होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, प्रकाश क्या होता है, जो प्रकाश होता है, यदि प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, अर्थात प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, कैसे प्रकाश हमको वस्तु को दिखाती है, तो अभी वो सब सारी डाउट क्लियर करने वाले, परंतु सबसे पहले आप ये समझिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, क्योंकि ऊर्जा होगी एक, ये इसमें एक प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब कैसे आप देखते हैं, सबसे पहले आप वो समझिए, मैंने आपसे कहा कि ये कोई वस्तु हो गई, ये कोई क्या हो गई, वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, भैया ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गई, वस्तु हो गई, स्रोत से आने वाली या सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण, सूर्य ही प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, तो सूर्य को ही मान लेते हैं, ये सूर्य हो गए। तो जब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो जब पृथ्वी पे रखी किसी भी वस्तु पे पड़ती है, पृथ्वी पे रखी किसी भी वस्तु पे क्या होती है, पड़ती है, तो जो प्रेक्षक होता है, जो प्रेक्षक होता है, जो उस वस्तु को देख रहा होता है, जब तक प्रकाश इस पे नहीं पड़ती, जब तक प्रकाश इस पे नहीं पड़ती, ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु आपको दिखाई
नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, परंतु जो ही प्रकाश इस वस्तु पे पड़ती है, तो प्रकाश जब इस वस्तु पे पड़ती है तो इस वस्तु से टकरा कर लौट कर इस वस्तु से टकराती है, और टकराने के पश्चात हमारे आंखों को क्या करती है, संवेदना प्राप्त करती है, हमारे आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण ये वस्तु हमको दिखाई पड़ने लगता है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने किसी एक आप अपने रूम में गए, वो रूम है ए बी सी डी इस आकार का है, और इसमें आपने एक बॉल रखा था प्यारे बच्चों, और एक जो है बैट रखा था, एक बॉल रखा था आपने और एक क्या रखा था आपने, बैट रखा था, ठीक। ये तमाम प्रकार के जो बैट है, तो ये बैट आपने रखा था। अब जैसे ही आप अंधेरे में गए तो आपको बैट और बॉल वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहां पर जो आप प्रकाश की अनुपस्थिति थी, यहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं थी, परंतु जैसे ही आपने बटन को ऑन किया और यहां से प्रकाश निकलने लगा, तो यहां से चलने वाली जो प्रकाश थी, बल्ब से जो निकलने वाला प्रकाश था, वो भैया बॉल पे पड़ा होगा, वो बैट पे पड़ा होगा, कमरे में रखी हुई अन्य वस्तुओं को भी पड़ा होगा। तो आपको जिन जिन वस्तुओं पे वो प्रकाश पड़ा, उन वस्तुओं से प्रकाश लौट कर उन वस्तुओं से प्रकाश लौट कर आपकी आंखों को क्या करने लगी, संवेदित करने लगी, आपकी आंखों को संवेदना प्राप्त की, जिसके कारण वो वस्तु आपको क्या हुआ, दिखाई पड़ने लगा। यानी हम यहां पर बता सकते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है, प्रकाश जब किसी भी वस्तु पे पड़ता है तो पड़ने के बाद वहां से टकराता है, टकराने के बाद हमारे आंखों को संवेदित करती है, हमारे आंखों को संवेदना देता है, जिसके कारण वो वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। यानी हमको ये इतना चीज जानना है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वहां से टकराने के बाद हमारे आंखों को, आपकी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण वो वस्तु दिखाई पड़ता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी प्यारे बच्चों? जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो आपको वहां पर लिखा हुआ यानी प्रकाश की जो परिभाषा है वो आपको स्क्रीन पेज पे लिख कर दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, अर्थात नोट कर सकते हैं। अब सेकेंड टॉपिक है आपका प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपकी सेकेंड टॉपिक है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बताएं, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अब आइए हम इसको समझते हैं, कैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सोचिए जरा सा, आपने एक लाइट लिया, क्या ले लिए, एक लाइट ले लिए, ठीक। लाइट में ये बटन था जिससे आप लाइट को ऑन कर सकते थे, ठीक। ये उसके बाद ये लाइट हो गई भैया, इस लाइट से निकलने वाला प्रकाश हो गया, ठीक। ये लाइट हो गई, लाइट से निकलने वाली क्या हो गई, प्रकाश हो गई, ध्यान से समझिएगा। और ये पूर्ण रूप से लाइट हो गई, ठीक। अब जैसे ही आप बटन को ऑन करोगे तो इस लाइट से प्रकाश निकलने लगता है, ठीक। अब सामने यहां पर एक कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एक वस्तु रख देते हैं, इस वस्तु का नाम था ए और इस वस्तु का नाम था बी, ठीक। अब देखिए यहां से निकलने वाली जो ये प्रकाश है, जो ये रे है, वो सीधे निकलती है और इन वस्तुओं पे जाके क्या हो जाती है, टकरा जाती है। वस्तु ए से टकरा जाती है और आप यहां पर खड़े रहते हैं प्यारे बच्चों, या तो आप यहां पर खड़े होंगे, तो यहां से खड़े होने के बाद इस वस्तु प्रकाश टकराती है और आपके आंखों पे क्या करती है, आके टकरा जाती है, आपके आंखों पे क्या कर देती है, संवेदित, संवेदना प्राप्त कर देती है, संवेदित कर देती है, जिसके कारण वस्तु ए दिखाई पड़ने लगता है परंतु वस्तु बी आपको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों वस्तु बी दिखाई नहीं पड़ता होगा प्यारे बच्चों, आप सोचिए। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती, अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती तो वस्तु बी भी आपको दिखाई पड़ता, वस्तु बी भी आपको दिखाई पड़ता, परंतु वस्तु बी नहीं दिखाई पड़ रहा। उसका रीजन है क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं वो सदैव सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो उसके सीधे में जो पड़ेगा वही वस्तु दिखाई पड़ेगा, वरना वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। आई होप कि आपको ये एग्जांपल जरूर समझ में आया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। चले तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वो इस समय आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट करके लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे।
सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात यह होती है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात, अर्थात जहां पर वायु न हो वहां पर जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी वो एक सेकंड में 3×10⁸ मीटर दूरी तय करती है। प्यारे बच्चों एक सेकंड में 3×10⁸। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10⁸ का मतलब नहीं समझ पाते, परंतु प्यारे बच्चों इंटर के लेवल की पढ़ाई आप कर रहे हो, 10⁸ का मतलब ना समझ पाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, 10⁸ को आंकड़ों के रूप में मैं लिख दे रहा हूं भैया। इनको 3×8 अब गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अर्थात पूरे जो प्रकाश होता है वो एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय कर जाता है, आप सोचिए इतनी तेजी से गतिमान होता है। तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी वहां पर लिख के दिखाई पड़ रही होगी कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी की चर्चा क्या करते हैं, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सीधी रेखा में, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी की चर्चा ये है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है उसको चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप समझिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती। अब लिखने से तो काम चलने वाला नहीं, इसको आपको समझना होगा ना प्यारे बच्चों कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकताएं नहीं होती। अब सोचिए कैसे आप समझोगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा क्या कि अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि इस टॉर्च से निकलने वाला जो ये प्रकाश है वो वस्तु ए तक जा रहा है, चलिए मान लेते हैं यहां तक मिटा दे मूव कर देते हैं, वस्तु ए तक गया, वस्तु ए से टकराया और टकरा के लौट आया, टकरा कर क्या हुआ लौट आया ये प्रकाश। तो बताइए प्यारे बच्चों जाने में और टकरा कर लौटने में आपने इसके लिए कोई रास्ता बनाया था कि आप इस रास्ते से चले जाओ, ऐसा कोई था प्रोसेस नहीं था। परंतु मैं अगर यहीं पर आपको एग्जाम्पल बताऊं कि अगर यहीं से जल को ले जाना होता, यहां से लेके यहां तक पानी को ले जाना होता, तो आप किसी न किसी पात्र का उपयोग करते तो वो पात्र माध्यम हो जाता। परंतु प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किसी पात्र यानी किसी भी मीडियम की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। आप पात्र मतलब होता है प्यारे बच्चों बर्तन, मतलब अगर एज एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके पिताजी जो है कमरे किसी भी कमरे में थे बैठे और आपसे बोले कि बेटा पानी लाओ, तो आप क्या करेंगे, आप पानी को जो है हाथ में तो लेके जाएंगे नहीं, लोटे गिलास किसी भी न किसी पात्र में लेके जाएंगे पहुंचाने देंगे। अगर वहीं से आपके पिताजी बोले कि बेटा थोड़ा सा लाइट दिखा दो, तो आप लाइट लिए रहोगे तो वहीं से जला दोगे तो भी लाइट वहां दिखाई पड़ने लगता। तो क्या होता है कि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु भैया और जो आपके अन्य है जैसे जल है ये सब, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, हमको भी चलने के लिए आपको भी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती। तो ये रही इनकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश जो होता है हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश जो होता है वो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, परंतु जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु दिखाई पड़ता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, अर्थात अगर हम अब पांचवें प्रॉपर्टी की चर्चा करें तो जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और साथ साथ में हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है। किसके रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में भी गमन करता है। और अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश कण के रूप में भी चलता है,
किसके रूप में चलता है? प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, मतलब वो तरंग के रूप में भी चलता है, कण के रूप में भी चलता है। इन्हीं दोनों व्यवहार के लिए प्रकाश की जो प्रकृत होती है वो द्वैत प्रकृत होती है। कौन सी प्रकृत होती है प्यारे बच्चों? द्वैत प्रकृत होती है। इस बात को ध्यान से समझिए, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या तरंग के रूप में गमन करता है, साथ साथ में प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं द्वैत प्रकृत। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश की डुअल नेचर होता है। जितनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे एकदम विशेष तौर से। अब हम अगर अगली प्रॉपर्टी की, प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी की चर्चा करें, तो प्रकाश की जो अगली प्रॉपर्टी होती है, कितने हो गए, 4, 2, 6, 7, जो सातवां प्रॉपर्टी होता है प्रकाश का, सातवां प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? सातवीं जो प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, वो ये होता है, ध्यान समझिए। जब कोई प्रकाश, देखिए मैंने कहा कि ये कोई चिकना पृष्ठ हो गया, ये कोई क्या हो गया, चिकना पृष्ठ हो गया, ठीक, ध्यान से समझिएगा। चिकना पृष्ठ पीछे से पॉलिश किया रहेगा, या तो छोड़ दो पॉलिश की बात, भाई चिकना है ये जानते रहो। चिकना पृष्ठ क्या है? ये कोई स्मूथ, यस, ये कोई स्मूथ सरफेस है, ध्यान से समझिएगा। अब स्मूथ सरफेस क्या, अब जब कोई प्रकाश स्मूथ सरफेस पे पड़ता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ता है, तो चिकने पृष्ठ को पार वो नहीं कर पाता, वो चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि चिकने पृष्ठ से प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, लौटने को परावर्तित कहते हैं। तो चिकने पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी? चलिए अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, आठवें नंबर की प्रॉपर्टी है, तो आठवें नंबर की प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे ये वायु हो गया, ये वायु हो गया, और नीचे का जो माध्यम है वो जल है, तो जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करेगी, वायु से जल में प्रवेश करेगी, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, मतलब जिस मार्ग से वायु में आ रही थी उस मार्ग से जल में नहीं जाएगी, अपने रास्ते को बदल के जाएगी। तो प्रकाश की ये भी प्रॉपर्टी होती है, अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से हट जाती है। तो ये रही प्यारे बच्चों प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको जब बता दिए गए हैं, और क्रम से आपको स्क्रीन पेज पे लिख कर दिखाई पड़ रहे होंगे, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम अगली प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, अगली टॉपिक की चर्चा करते हैं, तब तक इसको हम मूव कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का जो परावर्तन होता है, अभी हम लोगों ने प्रकाश की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अब देखिए उसी को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, एक मिनट थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, ये मान लेते हैं कोई चिकना पृष्ठ हो गया जो नीचे से पॉलिश किया गया है, ध्यान से समझिएगा, ये कोई पृष्ठ हो गया, ठीक। अब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है, तो चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मीडियम में क्या होती है, वो लौट जाती, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने क्या बताया कि जब कोई जो आपकी रे होती, जो आपकी प्रकाश होती भैया, वो किसी भी चिकना पृष्ठ पड़ जाए, दर्पण हो गया, कोई भी चिकना पृष्ठ हो, उस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात वो वापस लौट जाएगी, जहां से आई रहती, जिस माध्यम से आई रही थी, मतलब ऊपर ही ऊपर माध्यम है ना, देखिए ये एक माध्यम है, तो इस माध्यम आई थी, इसी माध्यम में लौट गई। तो यह घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं कि जैसे एग्जांपल में हम समझे कि किसी कोई बॉल ले ले, और जब बॉल को हम लोग किसी दीवार पे फेंकते हैं, किसी दीवार पे क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो दीवार पे जितनी तेजी से फेंके रहते हैं, दीवार उतनी तेजी से गेंद को हम लोगों को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उतनी तेजी से गेंद को हम लोगों को वापस लौटाती है, तो वो गेंद का परावर्तन होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब प्रकाश जो होता है वो किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ता है, किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ता है, तो चिकना पृष्ठ भी उस प्रकाश को उतनी ही
उसी माध्यम में क्या करता है, लौटा देता। और जितनी तेजी से प्रकाश किरणें आई रहेंगी उतनी तेजी से प्रकाश किरणें लौट जाती हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आने वाली जो प्रकाश किरण की चाल होगी उतना ही जाने वाले प्रकाश की चाल होती है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश की चाल नहीं बदलती। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो आपको स्क्रीन पेज पे लिखा हुआ डिफिनेशन दिखाई पड़ रहा होगा, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वहां से नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे की जानकारी लेते हैं। भैया जो पृष्ठ की ओर आ रही है, जो पृष्ठ की ओर आ रही है उस किरण का नाम होता है आ। आ मतलब आ, आने आ रही है, तो आ से आपतित हो गया, आ रही है, तो भैया इनका नाम हो गया आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगर कोई पूछ लिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं तो बताइएगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं भैया, आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को, पृष्ठ से लौटकर जाने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो जिस बिंदु पे ये दोनों टकराए हैं, जिस बिंदु पर यह टकराई है और जिस बिंदु से ये लौट के गए हैं, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु होता है प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु होता है, आपतन बिंदु। ठीक, ध्यान से देखिएगा ये कौन सा बिंदु होता है, आपतन बिंदु। ठीक, अब इन इसी पर एक अगर हम लंब खींच दें, इसी पे एक सीधा क्या खींच दे, लंब खींच दे, तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहेंगे इसे, अभिलंब। देखिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं, इसे हम अभिलंब का नाम देते हैं। चलिए अब जैसे ही आपने अभिलंब खींचा वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एंगल बन गया है, यहां पर एंगल बन गया। आप यहां से देखिए, यहां पर एक एंगल बना है और साथ में एक एंगल यहां पर बना, देख रहे हैं। तो इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को हम नाम देते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। ध्यान से समझिएगा, इस वाले एंगल को नाम देते हैं आपतन कोण और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। और जो ये वाला एंगल होता है, इस एंगल का नाम होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब आइए, जितनी चीजें हम लोगों ने परावर्तन से संबंधित पद को लिखा है सारे पदों को समझ लेते हैं एकदम एकदम मक्खन वाले भाषा में डेफिनेशन। ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले अगर समझना है तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से पड़ती है और चिकने पृष्ठ से पड़ने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं, यहां पी क्यू आर, ठीक, और ये एस। अर्थात PQ आपका आपतित किरण है और QR आपका परावर्तित किरण है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इन दोनों किरणों के बीच खींची गई जो लंब होता है वो आपका अभिलंब कहलाता है, जिसे आप QS का नाम दे रहे हैं। देखिए, फिर उसके बाद बात आती है आपतन बिंदु। ये तो ये आपतन बिंदु है कहां पर, सोचिए परावर्तक पृष्ठ पे है, जिस पृष्ठ से प्रकाश लौट रही है उसी पे तो स्थित है ना। आप सोचिए, ये दर्पण, ये जो चिकना पृष्ठ है ना वो आपका कुछ इस प्रकार है, ऐसे समझिए। ये प्रकाश किरणें यहां पड़ी है, यहां लौटी है, ये आपने लंब खींचा, तो ये पृष्ठ है किस पे, परावर्तक पृष्ठ पे है ना। तो परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों मिलते हैं, उसे हम आपतन बिंदु नाम देते हैं। एक बार फिर से, परावर्तक पृष्ठ पे स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए बढ़िया है। अब हम चर्चा करते हैं आपतन कोण आई का और परावर्तन कोण आर का। अब देखिए, आपतन कोण क्या होता है? ये हुई आपतित किरण, ये हुई अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये बना कोण होता है, इसी कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? आई से व्यक्त करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही? हमने आपको क्या कहा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आप स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी? एक बार आप फिर से देख लीजिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहां से लेके यहां तक वाला कोण, ये कोण परावर्तन, ये कोण आपतन। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? कहीं भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, और आपके हर एक कमेंट का समाधान हम करेंगे। ठीक, अब हम इसी इलाके समझ लेते हैं परावर्तन का नियम, इसी चित्र से समझ लेते हैं परावर्तन का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हम बना लेते हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन का नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ रूल यानी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा परावर्तन का नियम क्या होता है अच्छे तरीके से। परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। अब प्रथम नियम आपका क्या है वो देखिएगा। प्रथम नियम है ये देखिए, पहले हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हाथ मान लीजिए हमारा चिकना पृष्ठ है, तो एक माध्यम ऊपर है, एक माध्यम नीचे है, बस इतना समझिएगा। अब ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों जो है वो दर्पण, वो माध्यम के एक ही ओर स्थित है ना, कोई नीचे तो नहीं आया है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया जो अभिलंब होता है, वो तीनों दर्पण के एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया जो अभिलंब होता है वो दर्पण के एक ही तल में होता है। ये परावर्तन का प्रथम नियम है प्यारे बच्चों। ये प्रथम नियम आपको वहां स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा, आप वहां से नोट कर लीजिए। फिर इसकी जो दूसरा रूल होता है, दूसरा जो नियम होता है, दूसरा जो नियम होता है वो ये आपतन कोण आई अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, यानी जो दूसरा नियम है वो ये बताता है कि जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण रहेगा, अर्थात जिस कोण पे प्रकाश किरणें आपतित हुई रहेंगी उसी कोण पे परावर्तित भी होंगी। अगर 30 डिग्री पे प्रकाश किरणें आपतित हुई हैं तो परावर्तित भी 30 डिग्री पे ही होंगी। इसीलिए कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये भी रूल आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के जो नियम है वो आपके टॉपिक यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है परावर्तन के प्रकार। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परावर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता वो ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के जो प्रकार होते हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार क्या होते वो देखिए, दो प्रकार के होते। एक नियमित परावर्तन होता है, परावर्तन के प्रकार में एक आता है आपका नियमित परावर्तन, जिसे आप कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन कहते हैं। नियमित परावर्तन और एक आता है आपका अनियमित परावर्तन। तो आइए देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित क्या होता है। नियमित परावर्तन वो परावर्तन होता है, ये नियमित के लिए समझा रहे हैं, ठीक ऐसे समझिए।
ये प्रकाश किरण एक आपतित हो गई, ये दूसरी आपतित हो गई, ये तीसरी आपतित हो गई, ये चौथी आपतित हो गई। ठीक, अब देखिए ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो गई। ठीक, अब आप सोचिए जरा सा, ये आपका जो परावर्तन होता है नियमित परावर्तन होता है। यहां आपको दो चीजें समझना है, यानी जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो स्मूथ पृष्ठ यानी किसी चिकने पृष्ठ से हो, किससे हो, चिकने पृष्ठ से। जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन भैया किसी चिकने पृष्ठ से हो तो नियमित परावर्तन कहलाता है, या जब परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें, परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो तो समझ लीजिएगा परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। देखिए ये सभी किरणें एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल है। तो जब प्रकाश परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो समझ लीजिएगा परावर्तन नियमित है, या तो चिकने पृष्ठ से परावर्तन हो तो नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन लगातार होता रहता है, और अनियमित क्या होता है उसे आप समझिएगा, अनियमित परावर्तन वो होता है जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है प्यारे बच्चों वो किसी खुरदरे पृष्ठ या ऊबड़ ऊबड़ खाबड़ कह लिया जाए। देखिए ये ऐसा कोई तल जो कि ऊबड़ ऊंचा खाला हो, तो ये देखिए जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है किसी ऐसे तल से हो जो स्मूथ ना हो। देखिए इनका परावर्तन ऐसे होगा, जब प्रकाश किरणें इस पे यहां पड़ेंगी तो ये प्रकाश किरणें यहां पर परावर्तित हो जाएंगी, जब प्रकाश किरणें यहां पड़ेंगी तो ये यहां परावर्तित हो जाएंगी। तो इस प्रकार देखिए, ये देखिए जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होती है, या जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। और अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, नहीं होती, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका अनियमित परावर्तन और ये रहा आपका नियमित परावर्तन। नियमित में क्या होता है, चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, और अनियमित में क्या होता है, खुरदरे पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अब गाइस हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसे आप इमेज कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, अब जब हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में अपनी खुद की एक इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक, अपनी खुद की एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है, वही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। या हम कहते हैं अपनी आपकी एक छाया दिखाई पड़ता है, अपनी आपकी एक कॉपी दिखाई पड़ता है, वही क्या कहलाती है, आपकी प्रतिबिंब कहलाती है। तो वहां वो प्रतिबिंब होता है, परंतु इस यहां आपको क्या समझना वो ध्यान समझिएगा। यहां पर क्या होता है, जैसे आपने ये कोई वस्तु ले लिया, ये कोई वस्तु ले लिया, ठीक, ए और बी, और ये आप अभी आप ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये एक अवतल दर्पण है। अब आपको ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी डिटेल आगे क्लास में मिलने वाली है, परंतु आप यहां समझिए कि इसको समझाने के लिए मैंने केवल दर्पण बनाया है, बस आप ये समझिए, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष भी बताएंगे आपको अभी आगे पढ़ेगा, केवल प्रतिबिंब समझाने के लिए मैंने आपको बताया। देखिए अब यहां पर कहीं इसका वक्रता केंद्र होगी और यहां पर कहीं मुख्य फोकस होगा, ध्यान समझिए। अब किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिल जाती है वो बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से समझिएगा। अब आप ये चीज यहां, ये इससे होकर जाएंगी और ये जब यहां से होकर जाएंगी, ठीक, ये इसी मार्ग में लौट जाएंगी, ये जहां एक दोनों को काट रही है यही वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, बी डैश और ए डैश। तो ध्यान से देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि कोई भी वस्तु जब किसी दर्पण के सामने रखा जाता है, हम हो, आप हो, चाहे जो हो, कोई भी वस्तु किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु से चलने वाली सभी प्रकाश किरणें, उस वस्तु से चलने वाली सभी प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं
वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता था। ए बी का जो प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों वो ए डैश और बी डैश बना है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रतिबिंब आपका वास्तव में मिलता है, यानी जब रेखाएं वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, जब किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात सभी प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं वही बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब वास्तव में प्रकाश किरणें काटती रहती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब प्रकाश किरणें आपकी मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। प्यारे बच्चों इन सब की परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आपकी पूरा प्रकाश का परिचय इसमें खत्म नहीं हुआ, आपकी जो और बचे हुए टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।